यहाँ पर आ जाता है भाई गुरुद्वारा लाजपत नगर। तो लाजपत नगर में आपको प्रधान पीजी भी मिल जाएगा। ये भैया हमारे पार्षद साहब का घर। लाजपत नगर में ही सेंट पॉल हाई स्कूल का बैक गेट भी आ जाता है। ये परमहंस योग ब्रह्मा ज्ञान देवी मंदिर है। जी हाँ, मैं अभी इस समय पहुँच चुका हूँ लाजपत नगर। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल इंद्र शर्मा ब्लॉग। तो भाई टाइम हो रहा है 5:10 शाम के, और अभी हमारे पास मौका लगा है कि हम लोग व्लॉग उठा लें और अपना काम करें। एक्चुअली क्या था, सुबह जिम नहीं गए, तरुण भाई ने फ़ोन नहीं करा, ऋषिकेश से तो वो आ गया था, और फ़ोन उसने क्यों नहीं करा, पता नहीं क्यों नहीं करा भाई। मेरी आँख खुली है 8:30 और करते करते 9:30 मैं जिम गया हूँ। 9:30 जिम गया हूँ, 10:30-11 बज गए थे जिम आज से आते आते, और फिर एक दो काम निपटाए थे और पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। और अभी क्या है, अभी मैंने सोचा कि भाई व्लॉग कर लिया जाए, और फिर व्लॉग करने की डेस्टिनेशन सोची कि डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए व्लॉग करने की। तो अभी मैंने फ्रेंड्स कॉलोनी का व्लॉग कराया, तो फ्रेंड्स कॉलोनी के जस्ट लगते ही लाजपत नगर है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको लाजपत नगर का एक एरिया दिखाऊं। लाजपत नगर जो है ग्रीन पार्क के बैक साइड का हो गया, और फ्रेंड्स कॉलोनी के जस्ट साइड वाला लगता हुआ एरिया हो गया। तो सोच रहा हूँ कि फ्रेंड्स कॉलोनी का जो व्लॉग था उसी से इंस्पायर होकर मैं सोच रहा हूँ कि लाजपत नगर का व्लॉग बना दिया जाए। और भाई नोनू भाई को भी आप सभी ने बहुत ज़्यादा भर के प्यार दिया है, तो आने वाली वीडियो में नोनू भाई को भी इंक्लूड करेंगे, नोनू भाई से भी और वार्तालाप करेंगे। तो ऐसे ही प्यार बनाते रहो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और ऐसे ही अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके हम लोग आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। और भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी ने तो मतलब बारिश की कुछ आसार ही नहीं लग रही कि बारिश होगी नहीं होगी। गर्मी ने ताबड़तोड़ तबाही मचा रखी है भाई। फ़ोन 5-5, 6-6 बजे भी जा रहा हूँ ना, 8-8 बजे भी कर रहा हूँ, तो फ़ोन हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और व्लॉग में सबसे बड़ी दिक्कत बात यह है कि यार आप पूरा शूट कराओ, उसके बाद पता चला आपकी रिकॉर्ड नहीं हुई ढंग से, वो नहीं हुआ, तो यार बहुत बुरा लगता है यार। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं अगर सब्सक्राइब नहीं कर तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। बढ़िया बढ़िया ऑल ओवर इंडिया घुमाएंगे यार, अभी तो हम लोग ही सारी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया घुमाने वाले हैं, उसके बाद वर्ल्ड भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहो आप हमारे साथ, लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे, और पूरा इंडिया घुमाना है अभी तो। ये तो हिसार की गली एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरा इंडिया घुमाना है, तो बने रहो आप हमारे साथ ही। अब सीधा मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे, और लाजपत नगर का अब हम व्लॉग करते हैं। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस मोटो व्लॉग में, और मैं मोटो जो कि आज फिर से आपको ले आया हूँ हिसार हरियाणा की एक प्यारी सी राइड पे। और देखो यार कितनी छोटी सी बछड़ा है यार। तो मैं मोटो जो कि आज फिर से आपको ले आया हूँ हिसार हरियाणा की एक बढ़िया सी राइड पे, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं हिसार का लाजपत नगर। लाजपत नगर जो कि है फ्रेंड्स कॉलोनी के जस्ट लगता हुआ एरिया है लाजपत नगर, और छोटा सा एरिया है, ज़्यादा एरिया नहीं है, गिनती के 5-7 ही गलियाँ होंगी, छोटा सा एक मोहल्ला सा लगा सकते हो आप। लाजपत नगर फ्रेंड्स कॉलोनी जवाहर नगर एक जैसा सा एरिया है, शायद लोग कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये लाजपत नगर कौन सा है और जवाहर नगर, सब जवाहर नगर ही समझते होंगे उसको, लेकिन लाजपत नगर फ्रेंड्स कॉलोनी और जवाहर नगर तीनों अलग अलग एरिया हैं। जवाहर नगर बड़ा एरिया है, फ्रेंड्स कॉलोनी और लाजपत नगर थोड़े छोटे छोटे एरिया हैं। तो आज हम लोग लाजपत नगर कवर करने वाले हैं, और ये जो माटे वाला भैया अभी कट मारते हुए, लेकिन थोड़ा शर्म कर गए कि भाई पीछे मैं आ रहा हूँ। तो ग्रीन पार्क के बैक साइड का जितना भी एरिया है वो सारा लाजपत नगर का एरिया है, तो आज हम लोग वही एक्सप्लोर करने जाएंगे। और गर्मी भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बुरा हाल हो चुका है गर्मी का, और भाई क्या करें, अब वो देखो ये टेंट लगा के बैठे हैं, यहाँ पर आ जाती है PLA की पुलिस चौकी, और यहाँ टेंट लगा कर ये बैठे हैं, और ये खरबूजे बेचते हैं, हाँ खरबूजे हो गए, और ये क्या होता है तरबूज हो गए। तो पुलिस वाले भैया अभी गए हैं चौकी में जो प्रभारी हैं। तो अभी हम हैं ग्रीन पार्क एरिया में, जितना भी एरिया है ग्रीन पार्क एरिया है, इसके जस्ट बैक साइड में जो एरिया आ जाएगा वहाँ से शुरू हो जाता है भैया लाजपत नगर। अभी भी ये एरिया है, ये कम्प्लीटली ग्रीन पार्क का एरिया है, ये पार्क का पार्क फेसिंग एरिया, ये कम्प्लीट ग्रीन पार्क का एरिया अभी चल रहे हैं, और ग्रीन पार्क का एरिया ख़त्म होते ही स्टार्ट हो जाएगा लाजपत नगर। अब ये कह सकते हो कि अब ये जो रोड है, ये रोड आ चुकी है बॉर्डर लाइन, और इस रोड को क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा लाजपत नगर। तो जी हाँ, मैं अभी इस समय पहुंच चुका हूँ लाजपत नगर, लाजपत नगर में मैं इस समय पहुंच चुका हूँ, और आप देख सकते हो ये सारा का सारा जो है वो लाजपत नगर है। और लाजपत नगर की गलियाँ भी कह सकते हो यार इतनी ज़्यादा कोई ख़ास है नहीं, और ये छुटकू देखो मोटरसाइकिल चलाते हुए। तो ये कंप्लीट जो है लाजपत नगर है, और लाजपत नगर की गलियों में हम एक्सप्लोर करते हुए घूमते हुए इस समय, और ये परमहंस योग ब्रह्मा ज्ञान देवी मंदिर है, पता नहीं कौन सा मंदिर है, बोलो जय हो भगवान जी की।
तो ये सारा का सारा एरिया है, ये लाजपत नगर का एरिया है। लाजपत नगर के एरिया में हम लोग आगे बढ़ते हुए, और अंकल जी देख रहे थे ये कैमरा क्या लगा रखा है। कई लोग ना एकदम से यूं हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, अरे ये क्या है कैमरा है, वो ये क्या लगा रखा है। तो देख सकते हो आप लोग इस समय लाजपत नगर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए, और ये कंप्लीट जितना भी एरिया है ये सारा का सारा एरिया लाजपत नगर का एरिया है। और ये रोड सीधी की सीधी जो रोड जाती है, ये सारी रोड लाजपत नगर की ही रोड है। और लाजपत नगर में हम इस समय व्लॉगिंग करते हुए, तो ये रोड सीधी लाजपत नगर जाती है, और इससे बैक साइड की जो रोड है वो सीधी की सीधी वो रोड जाती है, बैक साइड की जो रोड है वो सीधी सीधी जाती है जवाहर नगर की 3 नंबर गली में। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए लाजपत नगर में, लाजपत नगर से सीधा चल जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। तो अब देख सकते हो आप लोग इस समय हम लोग लाजपत नगर की गलियों में घूम रहे हैं, और अभी हम आपको दिखाते हैं लाजपत नगर में, और हमारे जो एमसी साहब है विनोद ढांडा जी उनका घर दिखाते हैं। तो ये है भैया हमारे एमपी साहब, सॉरी हमारे पार्षद साहब का घर। तो अभी आपने देखा हमारे पार्षद साहब का घर, एमसी साहब का घर, और इसी के साथ साथ हम लोग बने हुए हैं लाजपत नगर में। और लाजपत नगर से अब हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ इस समय आ चुके हैं हम लोग। लाजपत नगर भी कमर्शियल एरिया बहुत ज़्यादा बनता हुआ लाजपत नगर, और लोग हमारे को यहाँ पे घूर घूर के देखते हुए कि भैया ये क्या कर रहा है, मोबाइल वगैरह लगा करके। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये सारा का सारा एरिया जो है वो है लाजपत नगर का एरिया। और लाजपत नगर में आपको प्रधान पीजी भी मिल जाएगा। तो लाजपत नगर की गलियों में हम लोग एक्सप्लोर करते हुए, और पार्क फेसिंग एरिया भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस तरफ हो जाता है भैया रास्ता बंद, इस तरफ हो जाता है रास्ता बंद। आंटी जी देखती हुई ये मुंह के आगे क्या लगा रखा है। तो लाजपत नगर हालांकि इतना ज़्यादा कुछ बढ़िया एरिया नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब कह सकते हो ना कि भाई बहुत मुख्य मुख्य विख्यात एरिया ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी हम लोग मोटो व्लॉगिंग करते हुए निकल रहे हैं आगे। और कई बार तो यार शर्म ही आ जाती है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या अभी है भैया, अभी हमें घूर घूर के देख रहे थे। तो लाजपत नगर की गलियों में अभी इस समय हम मोटो व्लॉग करते हुए और आगे से आगे बढ़ते हुए लाजपत नगर की गलियों में देखते हैं थोड़ा सा क्या कुछ सीन है। इतना ज़्यादा बड़ा लाजपत नगर नहीं है, और यहाँ पर आ जाता है भाई गुरुद्वारा लाजपत नगर। तो जय हो भगवान जी, ये है भैया गुरुद्वारा लाजपत नगर का। तो अभी आगे मेरे ख्याल आगे रास्ता बंद है, आगे गली नहीं है, और यहाँ पे भजन कीर्तन संध्या होती हुई, भजन कीर्तन लोग करते हुए भी देखते हैं कहाँ कौन सी, ये भी बंद है गली, और यहाँ ये गली खुली है, और ये गली हमारे को किस तरफ लेके जाती है। तो लाजपत नगर में ही सेंट पॉल हाई स्कूल का बैक गेट भी आ जाता है। तो दोबारा से देख लो, ये है सेंट पॉल हाई स्कूल, और यहाँ से मुड़ते हुए हम लोग वापस से लाजपत नगर की गलियों में। ज़्यादा सफाई नहीं है गलियों में, रोड भी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा समस्या है। और लाजपत नगर का लोग इतना ही रखते हैं। तो भैया ये था कंप्लीट लाजपत नगर। लाजपत नगर बस 4-5 गलियों का ही है, ज़्यादा बड़ा लाजपत नगर है नहीं, छोटा सा ही लाजपत नगर है। और इसी के साथ इस व्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। होप करते हैं आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।